हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये इसका पार्ट 1 है। रिमेनिंग पार्ट के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। इस वीडियो का लर्निंग कॉन्सेप्ट है ए, मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एंड बी, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। सबसे पहले हम सीखेंगे मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अमंग ऑल द पार्टनर्स इन द फर्म। इन दिस केस बिजनेस ऑफ द फर्म ऑल्सो कम्स टू एन एंड। जब भी आप बिजनेस को डिसॉल्व करते हैं तो इसका मतलब आप बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं। बिजनेस को क्लोज करने के बाद आप सबसे पहले सभी एसेट्स को डिस्पोज करते हैं, यानी आप सोल्ड करते हैं। सेकेंड, आप सभी आउटसाइड लाइबिलिटीज का पेमेंट करते हैं। एंड थर्ड, अगर कोई बैलेंस रिमेनिंग बचता है तो उसे आप पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इन तीनों चीज़ों को करने के लिए अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं, जिसके लिए हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं तो टोटल 4 अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, जिसमें फर्स्ट है रिलेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स लोन अकाउंट, थर्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फोर्थ कैश और बैंक अकाउंट। इस वीडियो में हम सभी अकाउंट्स के प्रोसीजर को सीखेंगे कि अकाउंट्स किस तरह प्रिपेयर किए जाते हैं। जब भी आप डिसोल्यूशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको क्वेश्चन में बैलेंस शीट गिवन होगी। मान लेते हैं ये सभी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में आपको गिवन है। इस केस में आप सबसे पहले रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। ये रिलेशन अकाउंट का फॉर्मेट है। अब स्टेप्स की हेल्प से रिलेशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। आपको एसेट साइड में नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स गिवन है। ये आपका फर्स्ट स्टेप फॉलो होगा, जिसमें आप नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स के अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए आप नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स को रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे, एक्सेप्ट जो आपको डॉटेड लाइन के नीचे गिवन है। आप इन अकाउंट्स को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करते जो आपको डॉटेड लाइन के नीचे गिवन है। नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट्स को आप रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। ये आपका फर्स्ट स्टेप है। द नेक्स्ट सेकेंड स्टेप है, अब नॉन करेंट लाइबिलिटीज एंड करेंट लाइबिलिटीज को क्लोज करेंगे। क्लोज करने के लिए आप रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यहाँ डॉटेड लाइन के नीचे वाले अकाउंट्स को रिलेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किया जाता है। हम नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड में लिखेंगे। ये फर्स्ट 2 स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। देन स्टेप नंबर 3, आप नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स को सोल्ड करेंगे। इसमें सभी एसेट्स को सोल्ड किया जाएगा, चाहे वो रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड हो। सोल्ड करने के लिए आप रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। इसमें आपके 2 केसेस हैं। अगर एसेट्स को फर्म सोल्ड कर रही है तो आप रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक, और अगर कोई एसेट पार्टनर्स टेक ओवर कर रहा है तो उसके लिए आप लिखेंगे बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसी तरह स्टेप नंबर 4, आप लाइबिलिटीज और रिलेशन के एक्सपेंस को पे करेंगे। यहाँ लाइबिलिटीज दोनों तरह की इंक्लूडिंग होंगी, रिकॉर्डेड एंड अनरिकॉर्डेड। पे करने के लिए आप रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। यहाँ पर भी आपके 2 केसेस हैं। अगर लाइबिलिटी की पेमेंट और रिलेशन एक्सपेंस की पेमेंट फर्म कर रही है तो उसके लिए आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैंक, और अगर लाइबिलिटीज की पेमेंट या रिलेशन एक्सपेंस की पेमेंट अगर कोई पार्टनर कर रहा है तो उसके लिए आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन नेक्स्ट, एसेट को सोल्ड करने के बाद एंड लाइबिलिटीज की पेमेंट करने के बाद आप रिलेशन अकाउंट को क्लोज करेंगे। रिलेशन अकाउंट को क्लोज करने के लिए आप दोनों साइड्स का टोटल करेंगे। अगर आपकी क्रेडिट साइड ज़्यादा आएगी तो आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट डेबिट साइड में आएगा, जिसके लिए आप लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम अज्यूम कर लेते हैं कि पार्टनर्स ए एंड बी हैं, और जो भी अमाउंट आएगा उसको आप ओल्ड इशू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर आपकी डेबिट साइड ज़्यादा है
तो क्रेडिट साइड में आपका बैलेंसिंग फिगर में अमाउंट आएगा, इसके लिए आप लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू एज कैपिटल एंड बीज कैपिटल, और इस अमाउंट को आप ओल्ड इशू में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो इन 5 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है रिलेशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए। देन रिलेशन अकाउंट कंप्लीट करने के बाद आप पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाएंगे, अगर आपको बैलेंस शीट में लोन अकाउंट के बैलेंसेस गिवन है। बैलेंस शीट के दोनों साइड में आपको लोन गिवन है, लायबिलिटी साइड में एज लोन एंड एसेट साइड में बीज लोन। सबसे पहले हम लायबिलिटी साइड को सॉल्व करेंगे। आप ए का लोन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, क्योंकि ए के लोन का बैलेंस लायबिलिटी साइड में गिवन था, इसलिए आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी। देन जब भी कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उस लोन को पे किया जाता है। ए ने बिजनेस को लोन दिया था, इस केस में ए का बैलेंस फिगर का अमाउंट डेबिट साइड में आएगा और उसको पे करने के लिए आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और यहाँ आपका अकाउंट कंप्लीट होता है। देन नेक्स्ट देखते हैं बीज लोन अकाउंट। बीज लोन अकाउंट क्योंकि एसेट साइड में गिवन था, इसलिए आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। जब भी कोई फर्म पार्टनर को लोन देती है तो उसका बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट क्रेडिट साइड में आता है, जिसके लिए आप लिखेंगे बाय बीज कैपिटल अकाउंट। तो आपको यह याद रखना है कि अगर किसी पार्टनर का लोन लायबिलिटी साइड में गिवन है तो उसको आप पे करेंगे टू बैंक लिख करके, और किसी पार्टनर का लोन अगर एसेट साइड में गिवन है तो उसको आप उसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और इस तरह आपका लोन अकाउंट कंप्लीट होता है। देन लोन अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद आप पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। हमने अज्यूम किया है कि आपके दो पार्टनर्स हैं ए एंड बी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले आप पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे, यहाँ ए की कैपिटल आपको लायबिलिटी साइड में गिवन है, इसके लिए आप लिखेंगे बाय बैलेंस बीडी, एंड बी की कैपिटल का बैलेंस एसेट साइड में गिवन है, इसके लिए आप लिखेंगे डेबिट साइड में टू बैलेंस बीडी, और अमाउंट आएगा बी के कॉलम में। बैलेंसेस लिखने के बाद आप एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे। आपको लायबिलिटी साइड में पीएनएल अकाउंट एंड रिजर्व गिवन है, इसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और एसेट साइड में आपको पीएनएल अकाउंट एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट गिवन है, इसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे। तो आपका क्रेडिट साइड में आएगा बाय पीएनएल अकाउंट, अमाउंट दोनों के कॉलम में आएगा। और आपको यह याद रखना है कि रिजर्व पीएनएल एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के बैलेंसेस को ओल्ड इशू में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद आप रिलेशन अकाउंट चेक करेंगे। रिलेशन अकाउंट की हेल्प से आप पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। आपने डेबिट साइड में लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे बाय रिलेशन अकाउंट, एंड अमाउंट उस कॉलम में आएगा जिसको आपने रिलेशन अकाउंट में डेबिट किया है। ऐसे ही अगर रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है तो उसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिलेशन अकाउंट, एंड अमाउंट उस कॉलम में आएगा जिस पार्टनर को आपने क्रेडिट किया था रिलेशन अकाउंट में। देन पार्टनर्स कैपिटल के बैलेंसेस ट्रांसफर करने के बाद आप रिलेशन अकाउंट का प्रॉफिट एंड लॉस ट्रांसफर करेंगे। अगर पार्टनर्स का प्रॉफिट आया तो उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिलेशन अकाउंट, और अमाउंट दोनों ही कॉलम में आएगा। और अगर आपका रिलेशन में लॉस आया है तो उसे आप डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिलेशन अकाउंट, एंड अमाउंट दोनों के कॉलम में आएगा। रिलेशन अकाउंट के प्रॉफिट एंड लॉस को ट्रांसफर करने के बाद आप लोन अकाउंट चेक करेंगे। लोन अकाउंट में आपने बीज लोन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा था बाय बीज कैपिटल अकाउंट, इसे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बीज लोन अकाउंट, एंड अमाउंट आएगा बी के कॉलम में। देन बी के लोन अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करने के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। यहाँ मान लेते हैं कि ए की क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो ए का बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट डेबिट साइड में आएगा, जिसके लिए आप लिखेंगे टू बैंक अकाउंट। और मान लेते हैं बी का डेबिट बैलेंस ज़्यादा है तो बी का बैलेंसिंग फिगर का अमाउंट क्रेडिट साइड में आएगा, जिसके लिए आप लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट, और यहाँ आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होता है। तो आपको सिंपली सबसे पहले बैलेंसेस ट्रांसफर करना है, देन पार्टनर्स के एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस को ट्रांसफर करना है। देन आप रिलेशन अकाउंट चेक करेंगे। आप रिलेशन अकाउंट की हेल्प से
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे। बैलेंसेस ट्रांसफर करने के बाद आप लोन अकाउंट चेक करेंगे एंड लोन अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करने के बाद आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे या क्लोज करने के लिए आप बैंक का यूज़ करेंगे और इस तरह आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करने के बाद आप बैंक अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। सबसे पहले आप बैलेंस शीट की हेल्प से बैंक अकाउंट का बैलेंस ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि बैंक अकाउंट एसेट साइड में गिवन है, इसलिए आप बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। बैलेंस लिखने के बाद आप रिलेशन अकाउंट चेक करेंगे, आपने रिलेशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा है टू बैंक अकाउंट, तो आप बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय रिलेशन अकाउंट। इसी तरह आपने रिलेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा था बाय बैंक अकाउंट, तो आप बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू रिलेशन अकाउंट। देन आप लोन अकाउंट चेक करेंगे, आपने इस लोन के डेबिट साइड में लिखा है टू बैंक अकाउंट, तो आप बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय इस लोन अकाउंट। देन आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस ट्रांसफर करेंगे, आपने एक ही कॉलम में लिखा है टू बैंक अकाउंट, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे आप बाय इस कैपिटल। इस तरह आपने बी के कॉलम में लिखा है बाय बैंक अकाउंट, तो आप बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में लिखेंगे टू बीस कैपिटल। सारे बैलेंसेस ट्रांसफर करने के बाद आप दोनों साइड का टोटल करेंगे, अगर आपका दोनों साइड का टोटल इक्वल आ रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है और इस तरह आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो ये टोटल चार अकाउंट प्रिपेयर करने होते हैं जब भी आप पार्टनरशिप फर्म को डिसॉल्व करते हैं। इन स्टेप्स को आपको याद रखना है ताकि आप नेक्स्ट वीडियोस के क्वेश्चन को समझ सकें। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए। फॉर मोर वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल सक्सेस ईट। आप इस चैप्टर के नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं जिसके पीडीएफ लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप हमें फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं फॉर क्वेश्चन क्वायरीज एंड अपडेट्स के लिए, एंड क्लिक ऑन बेल आइकन फॉर डेली अपडेट्स। थैंक यू।